हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है एक्सेलरेटर सीरीज में। बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना कॉन्सेप्ट, और देखना है कि आज के कॉन्सेप्ट में हम लोगों को क्या बात करनी है। स्टूडेंट बच्चों, लास्ट कॉन्सेप्ट में हमने आपको एक प्लेट की कंडीशन के बारे में बताया था कि अगर कुछ प्लेटें आपस में पैरेलल हैं तो उनके ऊपर कितना पोटेंशियल आने वाला है, कितना चार्ज आने वाला है, उसे हम लोग किस तरीके से करेंगे, ये कंडीशंस हमने आप लोगों को बताई थी और काफ़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, प्रॉब्लम इसके ऊपर पूछी जाती है। बच्चों आज हम बात करेंगे स्टूडेंट नल पॉइंट कॉन्सेप्ट की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नल पॉइंट कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आता है और इस कॉन्सेप्ट में हम लोगों से ये पूछा जाता है कि बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पर ज़ीरो रहने वाला है। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल का यूज़ करके समझाने का प्रयास करूँगा। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आएगा। बच्चों चलिए देखिए स्टूडेंट, प्रॉब्लम किस तरीके से हमारे सामने आती है और कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए एक चार्ज हम लोगों को दिया गया है प्लस क्यू, ओके। सेकेंड चार्ज हम लोगों को दिया गया है प्लस 9Q, और इनके बीच की जो सेपरेशन अपने पास में है वो 20 सेंटीमीटर है। बच्चों ठीक है, आप लोग अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। बच्चों कॉन्सेप्ट ये होता है स्टूडेंट कि अगर दोनों चार्जेस लाइक हैं, दोनों चार्जेस एक जैसे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, अगर दोनों चार्जेस एक जैसे हैं तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ ज़ीरो होगा जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा है। बच्चों देखो दोनों चार्ज में एक चार्ज तो है कैपिटल क्यू, दूसरा चार्ज है 9Q। कैपिटल क्यू का जो मैग्नीट्यूड है वो छोटा है, तो इस पॉइंट पर, यहाँ पर इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़ीरो के बराबर रहने वाला है। बच्चों सेंटर से छोटे चार्ज की तरफ, ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा, सेंटर से स्मॉल चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो रहेगा। हमने इस डिस्टेंस को लेट किया एक्स, और ये रिमेनिंग डिस्टेंस हमारे पास में हो जाएगी बच्चों 20 माइनस के एक्स। अगर हम लोगों को ये पता चल जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो कहाँ रहने वाला है, फिर मुझे लगता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमें आसानी होगी। पॉजिटिव की वजह से मैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो डायरेक्शन होगी बच्चों इधर, और इस पॉजिटिव की वजह से मैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो डायरेक्शन होगी इधर, और चूंकि यहाँ इस पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अपना ज़ीरो है तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों की वैल्यू आपस में बराबर है। जो वेक्टर्स हैं, दोनों अपोजिट वेक्टर्स हैं, अगर इन दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल है तभी तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और टोटल रिजल्टेंट वैल्यू हमारी ज़ीरो के बराबर आएगी। चलिए देखते हैं कि कैसे वैल्यू निकालेंगे। हम लोगों ने सबसे पहले पॉइंट कैसे माना है, इस बात के ऊपर आप लोगों को एक्स्ट्रा फोकस डालना है। बच्चों यदि दोनों चार्ज लाइक हैं या दोनों चार्ज अनलाइक हैं, मतलब दोनों चार्ज अगर लाइक हैं, एक जैसे हैं, प्लस प्लस हैं या माइनस माइनस हैं, उस कंडीशन में सेंटर से छोटे चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होगा। दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिया है एंड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। चलिए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं बच्चों। 1/4πε0 चार्ज की वैल्यू है क्यू, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है x² इज इक्वल टू इसलिए रखा क्योंकि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं। अब इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं बच्चों। 1/4πε0 9Q 20 माइनस x² चार्ज हो गया है 9Q, और ये डिस्टेंस हो गई है 20 माइनस x². आइए प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बच्चों। तो देखिए क्या बनेगा अपने पास में, 1/x² इज इक्वल टू 3/20 माइनस x². मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए ऐसी सिचुएशन बच्चों बना दी है। अगर हम लोग दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी और ये बनेगा अपने पास में 1/x इज इक्वल टू 3/20 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा 20 माइनस के x इज इक्वल टू 3x, 20 इज इक्वल टू 4x, सो x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर।
एक्स की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास में निकल जाएगी 5 सेंटीमीटर, यानी स्मॉल चार्ज से 5 सेंटीमीटर टुवर्ड्स 9q इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा 0 के बराबर रहेगा, और 9q चार्ज से 15 सेंटीमीटर पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 के बराबर रहने वाला है। बच्चों ऐसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि पॉइंट को लेट हम लोगों ने कहाँ किया है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है बच्चों कि पॉइंट आप लोगों ने कहाँ माना है, और पॉइंट को सही मानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। चलिए मैं एक और एग्जाम्पल आप लोगों को बताता हूँ जिससे कि आप लोग समझ जाएँ। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, एक चार्ज है -q और दूसरा चार्ज है हमारे पास में +4q, इनके बीच का जो गैप है वो है 10 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि नल पॉइंट कहाँ होगा, नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा, या जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, कैसे भी प्रॉब्लम बन सकती है बच्चों। अब पॉइंट की पहचान करना बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव होते तो नल पॉइंट यहाँ पर होता, अगर दोनों के दोनों नेगेटिव होते तब भी नल पॉइंट यहाँ पर होता, सेंटर से छोटे चार्ज की तरफ। लेकिन ध्यान से देखो कि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो इनके बीच में तो नल पॉइंट मिलने वाला हम लोगों को है नहीं। ये अपनी बात आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रखनी है कि एक चार्ज अगर नेगेटिव है और एक चार्ज पॉजिटिव है तो बीच में हम लोगों को कहीं भी नल पॉइंट नहीं मिलेगा। बच्चों नल पॉइंट की पोजीशन क्या होगी स्टूडेंट, नल पॉइंट की पोजीशन होगी जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड, माइनस को हटाकर आपको मैग्नीट्यूड देखना है क्यू, और वो है 4q। जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा वहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 के बराबर होने वाला है। बच्चों हम लोगों ने लेट किया कि क्यू चार्ज से एक्स डिस्टेंस पर, यानी यहाँ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 के बराबर होगा। चलिए अब देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। माइनस की वजह से निकालेंगे, डायरेक्शन इस तरफ, और उस पॉजिटिव की वजह से यहाँ निकालेंगे, डायरेक्शन इस तरफ, और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ 0 के बराबर, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखते हैं, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 के बराबर होने का मतलब क्या है, और दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ओपोजिट होने का मतलब क्या है। इसका मतलब तो ये है स्टूडेंट कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करने वाले हैं। चलिए हम ऐसा करते हैं कि इसकी वजह से यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसकी वजह से यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों को बराबर रख देते हैं क्योंकि ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करने वाले हैं। चलिए इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1/4πε0q/x2। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें नेगेटिव साइन हम लोग नहीं लेते हैं बच्चों, तो इसकी वजह से यहाँ पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसकी डायरेक्शन है इस तरफ, ओके, इज इक्वल टू 1/4πε0 4q, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी बच्चों 10 + x² देखिए स्टूडेंट, ये 10, ये x, तो ये हो गया है 10 + x² कैसे हम लोग कट करेंगे बच्चों, जरा ध्यान से, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, हमारे पास में बना 1/x² और यहाँ बना है 2/10 + x² होल स्क्वायर कैंसिल आउट, रिजल्ट बना भाई हमारे पास में 10 + x = 2x, x = 10 सेंटीमीटर, ठीक है, x = 10 सेंटीमीटर, यानी छोटे चार्ज से बाहर की तरफ, स्मॉल वाले चार्ज से बाहर की तरफ 10 सेंटीमीटर पर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 के बराबर रहने वाला है। बच्चों कॉन्सेप्ट में थोड़ा ध्यान देना है, बाकी प्रॉब्लम करने का तरीका बहुत ही आसान है। हमने मान लिया है कि इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, इसकी डायरेक्शन है इस तरफ, उसकी डायरेक्शन है बाहर की तरफ। अब जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ओपोजिट है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, ये इसे कैंसिल आउट करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इसीलिए मैंने इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर और उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर बराबर रख के प्रॉब्लम को सॉल्व किया, प्रॉब्लम सॉल्व। इस तरीके से स्टूडेंट हम कॉन्सेप्ट को बनाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बात अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मिलते हैं आप लोगों से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ स्टूडेंट।